अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वी यू बी एस। यस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर ले रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 9 है एग्जाम्पल, जो हमने लेक्चर नंबर 8 में किया था उसी के लेक्चर नंबर 9 में एग्जाम्पल है। इसीलिए मैंने इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाई नहीं है और इतना समझा दिया था कि आपको समझ में आ जाए। इस क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ आप लोगों को दिए थे करने के लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेक्चर नंबर 9 में एग्जाम्पल में लिखना क्या है, तो लेक्चर नंबर 9 है हमारा एग्जाम्पल, चेंज वर्ड की एग्जाम्पल दी हुई। तो वीडियो शुरू करने से आप लोग बेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। अच्छा, मिल नहीं रही होते हैं आप लोग शेयर करें ताकि इन लोगों की परेशानी आसान हो जाए। और प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर में पहले देखें आपको एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पर अब आप लेकर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज की हुई है लेकिन है पूरा फॉर्मूला और क्राइटेरिया पूरा वही है। तो अब आप देखें यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंसीडर डब्ल्यू, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, देखें डब्ल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है। आप इसकी वैल्यू क्या है, एक्स ये है, आप अब देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है, एक्स की जगह दे दी आपको जी टी, वाई की जगह आपको दे दी एफ टी और जेड की जगह आपको दे दी एच टी, ठीक है। अब वो आपको कह रहा है कि देन ये मालूम करो, तो इसमें घबराने वाली बात है नहीं, मालूम क्या करना है, डब्ल्यू ओवर डी टी मालूम करना है, ठीक है। हमने क्या लिखा है, डी डब्ल्यू ओवर डी टी लिख दिया। अब हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड, यानी थ्री वेरिएबल है। तो आपने क्या किया, डी ओवर डी टी लिख दिया, तो क्या किया, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, ठीक है। अब आपको पता है पहले में क्या होता है, डी एक्स डी एक्स, दूसरा वेरिएबल क्या है, डी वाई डी वाई, तीसरा वेरिएबल क्या है, डी जेड डी जेड। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप ये देखें कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है डब्ल्यू, इसके अंदर वैल्यू ये है एक्स वाई जेड, आपको फाइंड करना है डी डब्ल्यू ओवर डी टी, बहुत ही आसान है। डी ओवर डी टी का मतलब क्या है, डी ओवर डी टी वही करेंगे आप, पहले डब्ल्यू डी टी, ठीक है, डी डब्ल्यू डी टी, डी डब्ल्यू डी टी, उसके बाद क्या करेंगे आप, आपको मालूम करना है डी एक्स, डी एक्स ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी वाई, डी जेड ओवर डी जेड। तो आप इसका फॉर्मूला देखें तो देखें डी ओवर डी टी बन गया, ठीक है, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, अब एक्स है डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी वाई, डी ओवर डी जेड, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, आराम से कोई भी वैल्यू है आपने इस टेक्निक से फॉर्मूला आराम से बना लेना है, ताकि आप लोग जब बना लेंगे तो सिर्फ आपने इसको फोकस करना है, इसको देखेंगे वैल्यू देखेंगे पुट कर देंगे, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो अब आप ये देखें यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई डब्ल्यू की, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। अच्छा देखें यहाँ पे आप लोगों को एक्स चीज़ दी हुई है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ पे दी हुई क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी, ये वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, ठीक है। आपने निकालना है डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, तो आप देखें डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स क्या है, टू एक्स आ गया। अब आपने क्या निकालना क्या है, डी डब्ल्यू ओवर डी वाई, डी डब्ल्यू ओवर डी वाई क्या है, वाई की जगह आ गया वन। अब आपने निकालना है डी डब्ल्यू ओवर डी जेड, तो देखें डी डब्ल्यू ओवर डी जेड क्या है, वन। तो ये हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, ठीक है, एक्स वाई और जेड आ गया, मतलब आप बचा क्या है, डी ओवर डी एक्स ओवर डी टी, और इस तरीके से आगे। तो अब आप देखें हमें निकालना है डी एक्स ओवर डी टी, अब देखें हमें एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी क्या होगा, ई टी ए आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, डी वाई ओवर डी टी, कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, ये आ गया। अब इसी तरीके से क्या होगा, डी जेड ओवर डी टी का क्या होगा, टी हो जाएगा वन, और कॉन्स्टेंट क्या होता है, जीरो। तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ गई, वन, देखिए यही लिखा हुआ है। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है, हमें फॉर्मूला पुट करना है। देखिए डी डब्ल्यू डी एक्स की वैल्यू क्या थी, तो मैंने देखा डी डब्ल्यू डी एक्स क्या है, डी डब्ल्यू डी एक्स है टू एक्स लिख दिया, इस तरीके से इसकी वैल्यू ये है, इसी तरीके इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ने पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, वन आई, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये आई, इसकी वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये आई, ठीक है। अब आप देखिए पुट करने के बाद आपने करना क्या है, पुट करने के बाद आप ये देखें, अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है टू एक्स, तो अगर आप गौर से देखें तो एक्स की जगह क्या था, हमारे क्वेश्चन में दोबारा जाएंगे तो हमारे पास लिखा क्या, एक्स की जगह क्या लिखा है, ए टी। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे ई टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स की जगह ई टी, ई टी, और फिर हमने सॉल्व किया, पूरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो एंड में हमने क्या किया, टू ई टी, ई टी क्या होता है, बेसिस सेम होती है, पावर है टू टी हो गया और माइनस साइन टी, और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, देखें घबराना नहीं है, देखें डी ओवर डी आर दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू चेंज कर दे, हमारे पास जो रूल कॉन्सेप्ट चलता हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये आप देखते नहीं इस एग्जाम्पल में, तो देखें आपने आपको दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर टू में, अब डब्ल्यू दिया हुआ है हमें ये, एक्स दिया हुआ है ये, और हमें फाइंड करना है डी डब्ल्यू डी आर और डी डब्ल्यू डी एस। अब आप देखें हमें दो चीज़ें मालूम करनी, एक ये एक ये, डी डब्ल्यू डी आर हमें क्या लिखा है, डी ओवर डी आर लिख दिया। अब हमें देखने वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, डब्ल्यू तो क्वेश्चन गैस को नहीं देखना, हमारे पास कितने एक्स, यानी हमें क्या है रिस्पेक्ट टू क्या डब्ल्यू, और हमें वेरिएबल कितने दिए हुए, एक्स दिया हुआ यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ मालूम करने में, तो क्या हुआ, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी एक्स डी एक्स। तो हमें पहले क्या हमारा मालूम करना ही है, तो उसने क्या पूछा हुआ है पहले में, पहले में जो हमें मालूम करना है वो हमें ये मालूम करना है। तो हमने क्या किया, देखें ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, सेम है पूरा, ठीक है। अब हमने देखा डी डब्ल्यू डी एक्स, अच्छा भाई यहाँ पर डी डब्ल्यू डी एक्स का ये रहा, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, टू एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब हम आ गए हैं
अच्छा भैया आगे क्या हमारे पास डी एक्स ओवर डी आर, डी एक्स ओवर डी आर क्या हमारे पास ये रहा डी एक्स, ठीक है डी एक्स की वैल्यू क्या होती है डी एक्स ओवर डी आर, हम रिस्पेक्ट टू लेंगे आर के, तो जब आर से रिस्पेक्ट लेंगे तो क्या होगा आर होगा वन, आर वन होगा क्या यहाँ थ्री आ गया, इसको हमने मजीद सॉल्व किया थ्री कॉस एक्स मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स हो गया थ्री टू द सिक्स एक्स हो गया ठीक है। तो आप देखिए इसने आगे क्या किया, कॉस एक्स की एक वैल्यू गई थी एक्स की वैल्यू ये रही, तो इसने एक्स की जगह ये पुट कर दिया, तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ गई। तो आप पुट करना चाहे तो भेजा रहे, और जब आंसर आता है तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो देखिए आंसर आया, इसने क्या किया इसको मजीद सॉल्व किया है पूरे एलेटेस वैल्यू आ गई यहाँ पे, उसके बाद क्या 6 3 18 6 4 24, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब आप देखें इसने आगे मारे डी डब्ल्यू डी एस, डी डब्ल्यू डी एस का कुछ भी मसले वाली बात नहीं है, हमने क्या किया डी डब्ल्यू डी एस लिखा और कितने वेरिएबल है सिर्फ एक्स है, तो वही किया डी डब्ल्यू डी एस डी एस डी एक्स, देखें ये फार्मूला आ गया हमारे पास, ये सेम बन रहा है ठीक है। तो हमने क्या निकालना है पहले डी डब्ल्यू डी एक्स, हम गए हमने देखा डी डब्ल्यू डी एस का ये हम मालूम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है ये देखें, डी एक्स ओवर ये रहा डी एक्स ओवर डी एस निकालना है, तो और जीरो हो जाएगा ऐसे निकालना है, एस फोर आ गया फोर पुट कर दिया। अब जैसे ऊपर के जगह से सॉल्व कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास थ्री आर प्लस फोर एस, यहाँ पुट कर दी, इसके बाद एंड में क्या किया 8 3 24 और 4 8 4 32, तो ये हमारा आंसर आ गया सिंपल। कुछ नहीं करना, जब आपको एक मतलब टेक्निक पता चल गई फॉर्मूले की आपने सिर्फ पुट करना, कुछ भी वैल्यू आ जाए कुछ भी वेरिएबल आ जाए आप आराम से सॉल्व कर लेंगे ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले जो मैं हम आगे देख लेंगे आगे एग्जाम्पल लेंगी, आप इसी को देख लें अपने आप दिया हुआ डी ओवर डी आर निकालना है हमें, सिंपल हमने क्या किया देखें डी डब्ल्यू डी आर डी डब्ल्यू डी आर, अब वेरिएबल देख लेंगे कितने यहाँ पे, देखें यहाँ पे उसने दिया हुआ है यहाँ एक्स दिया हुआ है यहाँ वाई दिया हुआ है, सिंपल एक्स एक्स वाई वाई हो गया ख़त्म। आप आगे आए आगे देखें क्या आ रही है डी डब्ल्यू डी एस, ठीक है वेरिएबल देख लें कितने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एस पी विल गेट रिस्पेक्ट टू एक्स दिया हुआ है, तो सिंपल डी डब्ल्यू डी एस रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट टू वाई, जितने वेरिएबल होंगे हम आराम से लिख लेंगे, देखें यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है उसने, यहाँ पे हम नेक्स्ट वाई लिख लिया सिंपल ही हो गया। आगे चलते हैं, अब आप देखें यहाँ पे उसने दिया हुआ है वेयर एक्स दिया हुआ है वाई दिया हुआ है जेड दिया हुआ है, मालूम क्या करना है डब्ल्यू, ठीक है डब्ल्यू मालूम करना है, और क्या वेरिएबल दिए यहाँ पर जफी वाली दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डी डब्ल्यू डी आर, तो कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे आपको दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन होगा डी डब्ल्यू डी, आप क्या करेंगे डी डब्ल्यू डी आर डी डब्ल्यू डी आर डी डब्ल्यू डी आर, हमें पता कितने वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, देखें एक्स वाई जेड, तो ये फार्मूला आपका आराम से तैयार हो गया रेडी हो गया ठीक है। तो ये आपको डायग्राम से समझाया भी, आप आगे चलते हैं आगे ये देखें एग्जाम्पल में ठीक है, आप लोगों को वही देखना है आपने पहले देखना है इस मालूम में किया हुआ, यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ एक्स यहाँ पे दिया हुआ वाई और यहाँ पे दिया हुआ जेड, यानी कितने वेरिएबल है तीन वेरिएबल है। तो अब देखें यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ है लेकिन रिस्पेक्ट क्या है रिस्पेक्ट टू यहाँ पे देखें यहाँ आर दिया हुआ यहाँ, तो हम क्या करेंगे आर के रिस्पेक्ट ले लेंगे, तो आप देखें ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास टी डब्ल्यू डी आर लिखा है टी डब्ल्यू डी आर डी डब्ल्यू डी आर डी डब्ल्यू डी आर डी ओवर डी एस डी ओवर डी आर डी ओवर वाई, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल थे। अब हम देखते हैं इसको कैसे ही सॉल्व किया हमने, बल्कि हम करेंगे जो हम ऊपर कहते हैं डी डब्ल्यू डी एक्स का क्या है, यहाँ हमने रिस्पेक्ट टू एक्स किया वन आया, रिस्पेक्ट टू वाई किया तो टू आया, रिस्पेक्ट टू जेड किया तो हमारे पास क्या है टू जेड आया ठीक है। और इसी तरीके से हमने आगे किया डी एक्स ओवर डी आर क्या है, डी एक्स ओवर डी आर को हमने सॉल्व किया डी ओवर डी एक्स क्या है आर हो गया वन, वन अपन ऐसा आ गया, तो डी वाई ओवर डी आर क्या है टू आर, डी जेड ओवर डी आर क्या है टू आर हो गया वन, तो ये सारी वैल्यू पुट किया इसके अंदर क्वेश्चन में पुट की हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया वन एस, ये हो गया टू टू ज़ा फोर आर, ये हो गया टू 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 ज़ा फोर आर, टू टू ज़ा फोर आर जेड हो गया ठीक है, लिखा फोर आर, तो यहाँ पे क्या किया मैंने जेड की वैल्यू क्या है टू आर, तो टू टू ज़ा फोर फोर जेड हो गया, फोर जेड की जगह मैंने क्या कर दिया आर कर दिया, ओके जेड एक बलता टू आर के, जेड एक बलता टू आर के, जेड की वैल्यू की टू टू ज़ा फोर फोर आर आ गया ठीक है। हमारे पास यहाँ देखें जेड की वैल्यू क्या, जेड की वैल्यू है टू आर, तो टू आर पुट किया तो क्या टू टू ज़ा फोर फोर आर हो गया और टू ये हो गया ठीक है, इसके लिए मैंने सॉल्व किया ठीक है, वन बाय ऐसा आ गया फोर टू ज़ा एट, एट आर आ गया और एट आर प्लस फोर आर सत्ता को ट्वेल्व हुआ ठीक है। इसी तरीके से अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, आप देखें यहाँ पर सिर्फ दिया था डी डब्ल्यू डी आर, डी डब्ल्यू डी आर निकाल लिया तो हमें एस पी निकाल लिया, तो डी डब्ल्यू डी एस का फॉर्मूला क्या होगा वो जो हमने ऊपर किया फॉर्मूला आ जाएगा, वो चीज़ हम लोग मालूम कर चुके हैं, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया वैसे सॉल्व करेंगे तो ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे हमने ऊपर सॉल्व कर दिया वैसे हम सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है, हम फॉर्म में देख चुके हैं तो आपको एग्जांपल ली हुई एल एन वाली कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका आपको छोड़ दी एग्जांपल आती नहीं है। तो यहाँ पे हो गया आपका लेक्चर नंबर 9 खत्म, जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से आते हैं, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि एंड में आप लोगों के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर कर दूँ। समझ देखें समटाइम पेपर में एग्जाम्पल भी आती है लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम्पल को समझे तो मैं करवा रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको आप एक्टिस में एक मरतबा कर लें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद है इसको लाइक करें कमेंट करो, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जितना शेयर करेंगे उतना शेयर करेंगे उतना बेनिफिट है आपके लिए भी मेरे लिए भी।
तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी वीडियो में आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर, लेक्चर नंबर 10 में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।